यूरोप में बाढ़ की विनाश लीला, 150 से अधिक लोगों की मौत। बेल्जियम ने घोषित किया राष्ट्रीय शोक। पश्चिमी यूरोप में विनाशकारी बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर शनिवार को 150 हो गई। वहीं बचावकर्ता राहत कार्य में लगे रहे। नमस्कार, मैं मेघा राघव और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। पुलिस ने बताया कि जर्मनी की एहरविलर काउंटी में 90 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है। ये काउंटी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में 63 लोगों की मौत की खबर दी थी। एहरविलर इसी राज्य में स्थित है। उत्तरी राइन वेस्टफालिया राज्य में 43 और लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बेल्जियम की मीडिया ने खबर दी है कि बेल्जियम में शनिवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। शनिवार तक ज्यादातर प्रभावित क्षेत्रों में जलस्तर कम हो गया, लेकिन अधिकारियों को आशंका है कि बाढ़ में बही कारों और ट्रकों से और शव मिल सकते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर का शनिवार को कोलोन के दक्षिणी पश्चिमी शहर इर्फस्टाड का दौरा करने का कार्यक्रम है, जहां शुक्रवार को बचाव कार्य में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहां मकानों के ढहने से कई लोग मलबे में फंस गए थे। अधिकारियों को आशंका थी कि कुछ लोग बचने में सफल नहीं रहे, लेकिन शनिवार सुबह तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं की गई। कई इलाकों में अभी तक बिजली और टेलीफोन सेवाएं बहाल नहीं हुई है। रून नदी का तटबंध टूटने से हॉलैंड की सीमा से लगे जर्मनी के वासिलनबर्ग शहर से करीब 700 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बुरी तरह प्रभावित जर्मनी और बेल्जियम के अलावा नीदरलैंड का दक्षिणी हिस्सा भी भारी बाढ़ से प्रभावित हुआ है। तटबंधों की मरम्मत और सड़कों को बचाने के लिए स्वयंसेवी रात भर काम में जुटे रहे। नीदरलैंड के दक्षिणी शहर वाउलवेम्स, ब्रोमिलीन और गुएले में हजारों निवासियों को शनिवार की सुबह उनके घर लौटने की अनुमति दे दी गई। उन्हें बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया था। नीदरलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया और कहा कि क्षेत्र को 3 आपदाओं का सामना करना पड़ा। स्विट्जरलैंड में भारी बारिश के कारण कई नदियां और बड़े तालाबों के तट टूट गए और लूसन शहर के अधिकारियों ने रियूस नदी पर कई पैदल पुलों को बंद कर दिया।